आज तैम और मछली लेकर आए थे तो मैंने सोचा चले आज इसको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा तो मैं इसको फ्राई करूँगी, इसके लिए मैंने ये 12 से 13 लेमन थे इसका मैंने ना ये रस निकाल लिया। और ये कुछ मसाले हैं जिसमें है ये कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, अजवाइन पीस ली थी मैंने ये इसको, और क्या नाम है, हल्दी और गरम मसाला। अब मैं इन सारे स्पाइसेस को इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है, ये थोड़ा लिक्विड में रहेगा। अच्छा बाज़ लोग बेसन वाली मछली भी पसंद करते हैं, पर अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने सोचा चले मैं ऐसी सादी फिश बना लेती हूँ। बेसन वाली भी फिश बहुत अच्छी लगती है। अच्छा इसमें जो लेमन का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आएगा। और ये फिश ली है कितनी है तकरीबन 3 किलो होगी। अब ये मैं इसमें एक एक डिप करके मैं ऐसे निकाल दूंगी और यहाँ रख दी जाऊंगी इसको। चले ये मैं सारी लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी ये बेसन मैंने मंगवा लिया, मैंने सोचा बेसन वाली मछली ज़्यादा अच्छी लगती है तो अब इसके अंदर मैं उस हिसाब से बेसन डालूंगी कि मुझे कितना चाहिए, बस ज़्यादा मुझे गाढ़ी नहीं लगानी है तो साथ साथ इसमें मैं थोड़ा सा ना पानी भी ऐड कर दूंगी। मिक्सचर में उसी मछली के हिसाब से बनाऊंगी। चलो रुके मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ। ओके इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। बेसन को ना मैंने छान लिया था क्योंकि ना ऐसे हम बेसन को यूज़ करेंगे ना तो इसके लम्स बन जाते हैं, फिर वो सही से मिक्स नहीं हो पाती ना। बस अभी ये देखेंगे मुझे थोड़ा चले जी ये हो गया। अच्छा वो जो 2 स्लाइस मैंने लगाए थे ना तो वो मुझे बहुत लिक्विड लग रहा था, मुझे लगा ऑयल में जाके ना इसमें उतर जाना है, तो बस तैमूर ने इमली की चटनी ट्राई की है मैंने बनाई थी वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मछली के साथ इमली की चटनी अक्सर खाई जाती है। अच्छा ये देखिए ये रनिंग में आ गया, ठीक है ये देखिए। अब बस मैं इनको ऐसे ऐसे टिप करके ना मैं रख लूँगी, ठीक है एक मिनट मुझे वहाँ से बोल। अब मैं ऐसे बस ये सारी फिश को ऐसे लगा लूँगी और मैं इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से क्या ना मैं मसाले को जस्ट कर लें अपने अंदर। चले मैं ये सारे लगा के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी ये मैंने मछली को मसाला लगा के 3 घंटे तक रख दिया था, ठीक है मैं इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। ऑयल ये हल्का सा गर्म है, मैंने इतना ज़्यादा मैंने नहीं किया था, बिल्कुल लो फ्लेम है ऑयल का। काफ़ी बड़े बड़े स्लाइस उन्होंने रख दिए थे तो मैंने तब उससे कहा था कि छोटे स्लाइस लेकर आए, बड़े बड़े मत लाएं लाइएगा। बच्चे मेरे गए हैं अपने दादा बू के साथ बाहर, बस आ जाते हैं अभी, बाकी सब रेडी है खाना वगैरह। अच्छा जी ये मैंने बनाई थी इमली की चटनी, तो इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करना मैं भूल गई, काफ़ी टाइम हो रहा था। तो ये मैं थोड़ी सी ना लिक्विड में रखती हूँ, ज़्यादा इसमें इसको मैं गाढ़ी नहीं रखती हूँ, ताकि एक बस अब हम इसको हल्की आँच पे फ्राई कर लेंगे साथ में, फिर जब ये इसका मसाला इसके साथ जुड़ जाएगा तो फिर हम इसकी आँच को तेज़ करके इसको फ्राई कर लेंगे। हाँ जी इन लोगों को मैंने फ्राई करके दे दिए, इन लोगों ने खाना स्टार्ट कर लिया। कैसी बनी है पापा? एक प्लेट छोड़ने जा रहा हूँ जी। मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक था,
यहाँ खाना खाने लगे हैं। मैं क्या बताऊँ, ये तुम्हारा अपना मसला है। आप क्या कर रही हो? बादली प्लीज बेटा, पहले आप खाना खा लें फिर पढ़ लें। मुझे मछली पसंद है, लाइक करो। दोबारा से बोले प्लीज, दोबारा से एक बार फिर। बादली, ये बादली शर्मा आ गया। अच्छा, मैंने दूसरा साइड पे मछली फ्राई होने रखी हुई है। बस हो रही है।